नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स आपके साथ। आंचल, आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव की काउंटिंग की, काउंटिंग को लेकर विपक्ष की तैयारियों की। देखेंगे नतीजों से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ईवीएम में बड़े हेरफेर के आरोपों को, जानेंगे अखिलेश यादव के बड़े दावे को, और बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल में बीजेपी को लगे झटके की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जांच एजेंसियों पर मुंबई की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की अहम टिप्पणी, जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भागे करोड़ों डॉलर के घोटाले करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या। आंध्र प्रदेश में ईवीएम पटकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी को लगाई फटकार, मतगणना केंद्र पर जाने पर लगाई रोक। आप नेता मनीष सिसोदिया ने एससी से जमानत याचिका खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, कथित शराब नीति घोटाले मामले में है गिरफ्तार। चुनाव परिणाम से पहले शेयर बाजार ने भरी उड़ान, 2507 अंकों की तेजी के साथ 76468 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 733 अंकों की तेजी के साथ 23263 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों की काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 10 मिनट बाद ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे। डीवी लाइव पर सुबह 6 बजे से अंतिम वोट गिने जाने तक चुनाव की पूरी कवरेज देख सकेंगे। हम हर सीट पर नजर बनाए रखेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। 4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कराई जाएगी। काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराई जाएगी। संसदीय क्षेत्र के अनुसार हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी और हर टेबल पर एक एक ईवीएम खोली जाएगी। आधा घंटे में एक राउंड की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले राउंड की गिनती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी ईवीएम काउंटिंग टेबल पर पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे तक नई सरकार की सूरत साफ हो जाने की उम्मीद है। शाम 7 बजे तक अधिकांश सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, यानी किस दल की सरकार बननी है ये शाम तक साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि काउंटिंग के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवार के एजेंट आरओ की टेबल तक जा सकेंगे। मशीन से जब वोटों की गिनती होगी तो उसकी डिस्प्ले पिक्चर एजेंटों को दिखाई जाएगी। हर दौर की गिनती के बाद किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। पूरी काउंटिंग सीसीटीवी की निगरानी में होगी। कहीं से कोई भी शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। 543 सीटों में से जो दल या गठबंधन 272 सीटों के पार जाएगा उसी की सरकार बनेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की 175 और उड़ीसा की 147 विधानसभा सीटों की काउंटिंग भी कराई जाएगी और यहां पर शाम तक नई सरकार की सूरत सामने आ जाएगी। एक तरफ काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो गई है तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। विपक्ष लगातार अपनी जीत का दावा कर रहा है। 4 जून को काउंटिंग होनी है, ऐसे में विपक्ष ने कार्यकर्ताओं को कई बड़े आदेश दिए हैं। तो क्या तैयारी है विपक्ष की, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल का डेटा पेश कर दिया है। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो विपक्ष ने तो जीत के बाद की अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्यालय में साजो सजावट हो रही है। सभी नेताओं को नतीजों की घोषणा के बाद के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक भी हुई, जिसमें चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद खड़गे ने भी इंडिया के बहुमत हासिल करने का दावा किया, जिसके बाद परिणाम में कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की और अपनी चिंताएं सामने रखी। विपक्ष ने अपनी जीत के भरोसे के साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि बीजेपी परिणामों के साथ कोई हेरफेर ना कर पाए। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वीडियो जारी कर अहम संदेश दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें अभी इंतजार करना होगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट रहने वाले हैं। सोनिया गांधी ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया है। विपक्ष के सभी नेता 295 पार करने की बात कह रहे हैं, अब बस इंतजार मतगणना का है। परिणाम आते ही विपक्ष के दावों पर मुहर लग जाएगी या फिर एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। विपक्ष ने अपनी जीत का दावा करने के साथ ही परिणामों में हेरफेर की सारी संभावनाएं खत्म करने के लिए चुनाव आयोग से भी मुलाकात की और अपनी चिंताएं जाहिर की। तो वही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के कई सवालों के जवाब दिए। तो क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से पहले इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 16 मार्च को हम मिले थे, अब चुनाव खत्म हो रहे हैं,
इसलिए दोबारा मुलाकात हो रही है। हमने 642 मिलियन मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमने 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाकर वोटिंग करना सिखाया। रीपोलिंग केवल 39 बूथों पर करानी पड़ी, जबकि 2019 में 540 बूथों पर रीवोटिंग हुई थी। कल मल्टी पार्टी मीटिंग में हमसे कुछ मांगे की गई थी, हम सबको मानेंगे, जैसे सीसीटीवी दिन तारीख को दिखाया जाए, हर राउंड का रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए, ये सब होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ हो। ये मैसेज था कि जो टीम काम कर रही है वो डरेगी नहीं। इसका नतीजा है कि 10,000 करोड़ का अमाउंट पकड़ा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, जम्मू कश्मीर की वोटिंग आशा देने वाली है, ये लोग लोकतंत्र में भाग लेकर आगे आना चाहते हैं, बहुत जल्दी हम इनकी इच्छा पूरी करेंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होंगे, हम इसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू करेंगे। इस दौरान चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए गए, साथ ही कई आरोप भी लगाए गए। सीसी राजीव कुमार ने ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव का दावा कर रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से चुनाव में बड़े हेरफेर की खबर सामने आई है। बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगभग 611 ईवीएम गायब होने का बड़ा आरोप लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। आम चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवेंद्र यादव ने बताया कि मतदान के बाद 2,251 मतदान केंद्रों के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिनके मिलान करने पर 611 मतदान केंद्रों के प्रारूप 17C और बैलेट यूनिट के नंबरों में भिन्नता पाई गई है। इसके साथ ही 206 बैलेट यूनिट के अल्फाबेट और न्यूमेरिक अंकों में भी भिन्नता देखी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आगे बताया कि कोटा के 63, तखतपुर के 41, बिलहा के 33, बिलासपुर के 42, बेलतरा के 44, मस्तूरी के 66, लोरमी के 51 और मुंगेली विधानसभा के 53 मतदान केंद्रों में गड़बड़ी हुई है। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के प्रत्याशी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हों। देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि इस मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक 2 दिन हो गए हैं और आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। जवाब न आने पर या जवाब संतोषप्रद न होने, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बता दें कि कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं और बिलासपुर की लोकसभा सीट राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ऐसे में नतीजों से ठीक पहले इस मुद्दे ने बिलासपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी गर्मा दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर से शक के घेरे में आ गई है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, साथ ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश ने पीसी की शुरुआत कहावत के साथ की। अखिलेश ने कहा कि जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना ही बड़ा होता है उसका पतंग। बीजेपी कई आरोपों में दोषी है। बीजेपी ने सामाजिक रूप से लोगों के अंदर भाईचारा खत्म किया। इन्होंने लोगों को जाति में बांटने का काम किया, एक दूसरे को आपस में लड़वाया। बीजेपी ने अपराधियों के कृत्यों पर पर्दा डाला है। मणिपुर बीएचयू में छात्र से अभद्रता, कानपुर उन्नाव जैसे अनगिनत अपराधों पर इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। आर्थिक रूप से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया और लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ डाला है। नोटबंदी कर व्यापारियों को मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। किसानों की जमीन चोरी करने की कोशिश की गई। महंगाई से गरीब और गरीब हो गया, जबकि पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर उन्हें और अमीर करने का काम किया गया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। कई किसानों ने कर्ज के चलते अपनी जान तक दे दी। बीजेपी ने पेपर लीक करवाए, युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाया। इसी के साथ अखिलेश ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं किसानों ने भी उसकी मुसीबत को और बढ़ा दिया है। किसान अपनी मांगों को लेकर काफी वक्त से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को कोई राहत नहीं दी गई, जिसके बाद से किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है, जिससे सरकार चिंता में दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर किसानों ने शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किसानों से शंभू बॉर्डर में प्रदर्शन फिर शुरू करने की अपील की थी, जिसके बाद भारी संख्या में पंजाब से किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर शंभू बॉर्डर की तरफ कूच किया। चुनाव के नतीजों से पहले शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें, लंबे वक्त से किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, प्रदर्शन के दौरान जान जाने वाले किसान शुभकरण के लिए न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं।
सरकार ने किसानों की मांग तो पूरी नहीं की, लेकिन इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। फिर भी किसानों का हौसला नहीं टूटा। लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों ने बीजेपी का प्रचार करना मुश्किल कर दिया था, पीएम की रैली पर धावा बोल दिया था, यहां तक कि पंजाब हरियाणा के कई क्षेत्रों में बीजेपी नेता प्रवेश तक नहीं कर पा रहे थे। और अब नई सरकार के गठन से पहले एक बार फिर किसानों का मोर्चा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे लेकर बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनका वोट उसे जाएगा जो बीजेपी को हराएगा। किसानों को इंतजार है सरकार बदलने का, तो बीजेपी के अंदर चुनाव परिणामों को लेकर डर नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं हिमाचल में बीजेपी को लगे झटके को। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने बीजेपी में शामिल हुए 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। तो कौन है वो 3 विधायक जिनके इस्तीफे को स्पीकर ने किया है स्वीकार, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और कल किसकी सरकार आएगी ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच हिमाचल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सोमवार को हिमाचल के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इनमें नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर, देहरा के विधायक होशियार सिंह और हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा शामिल है। इसके साथ ही स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तीनों विधायक आज से विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। अब देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा पर उपचुनाव होगा। चुनाव और सभी विधायकों का पक्ष जानने के लिए इस्तीफा मंजूर करने में देरी हुई है। बता दें कि इन तीनों ने हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। इसके बाद तीनों ने 22 मार्च को विधानसभा स्पीकर और सचिव यशपाल के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे को सौंप दिया था और तीनों बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इसका भी बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। हिमाचल विधानसभा में अगर दलीय स्थिति की बात करें तो राज्य में कुल 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए 35 एमएलए चाहिए। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने और अब 3 निर्दलीय एमएलए के इस्तीफे होने के बाद कुल विधायकों की संख्या 59 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 30 हो गया है। राज्य में कांग्रेस के पास इस समय 34 और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद उनकी सीट पर 1 जून को उपचुनाव भी कराए जा चुके हैं। इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। इन 6 सीटों का रिजल्ट आने के बाद कुल विधायकों की संख्या 65 हो जाएगी, तब बहुमत का आंकड़ा 33 रहेगा। कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संख्या इससे अभी 1 ज्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी उपचुनाव वाली सभी 6 सीटें जीत भी लेती है तो भी विधायकों की संख्या 31 ही पहुंच पाएगी, जिससे अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने का बीजेपी को अब कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अरे आप पीछे हो ना, सब पीछे हो। पीछे फुल लेंथ नहीं मिल रहा है, पीछे हो मैम, एक स्टेप पीछे जाओ ना प्लीज, बस और सामने। जस्मिन जी इधर इधर, जस्मिन जी यहाँ। थैंक यू। दिव्या जी, दिव्या, दिव्या जी,
आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब